Hello everyone, myself Anjali Soni. I am a student of BSc Part 3rd Mathematics. Here we will talk about row. Binary operations. जब हमें एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं जिसमें एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं स्टार मैपिंग. अगर हम जी के कोई दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं तथा उनमें मैपिंग स्टार मैपिंग लगा देते हैं और जो हमें एलिमेंट प्राप्त होता है अगर वो जी का ही एलिमेंट होता है तो उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी कंपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है. एग्जाम्पल एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू एंड सी. ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड. जब किसी दो एलिमेंट्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाता है तो उस स्ट्रक्चर को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है. एग्जांपल नेचुरल नंबर प्लस प्लस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है आर प्लस मल्टीप्लाई. कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस साइड प्लस और मल्टीप्लाई के साथ. और अब हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में. ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. जब दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कराया जाता है और बनने वाला एलिमेंट जी में ही आता है तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं या ग्रुप बनने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है. उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी. किन्हीं भी तीन एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कराया जाए और वो दोनों एलिमेंट सेम आते हैं तो उस ग्रुप को एसोसिएटिव ग्रुप बोलते हैं. और जब ग्रुप एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है एक ऐसा एलिमेंट जो जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसे आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं. और जो सेट आइडेंटिटी एलिमेंट पर की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसे मोनोइड कहा जाता है. इनवर्स एलिमेंट. यदि कोई एलिमेंट को यदि दो एलिमेंटों को ऑपरेट कराया जाता है और आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स कहलाता है. जो सेट इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो एक ग्रुप का निर्माण करता है. इफ अ सेट फॉलो दीज प्रॉपर्टी देन इट फॉर्म्स अ ग्रुप. क्लोजरनेस, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. नाउ वी टॉक अबाउट अबिलिटी. यदि ग्रुप के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कराया जाता है तो वो दोनों सेम होते हैं. या तो ए बी ऑपरेट कराओ या फिर बी ए ऑपरेट कराओ और वो दोनों एलिमेंट सेम आते हैं तो उस ग्रुप को अबेलिटी ग्रुप बोला जाता है. इसे कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोला जाता है. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो संख्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाती है. ऑर्डर ऑफ जेड फोर. जेड फोर में 0.23 फोर एलिमेंट्स होते हैं इसलिए जेड फोर का ऑर्डर फोर होता है. साइक्लिक ग्रुप्स. अ ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक इफ इट इज जनरेटेड बाय अ एलिमेंट ए. दिस एलिमेंट इज नोन एज जनरेटर. एग्जाम्पल जी ए जीरो ए वन ए स्क्वायर. इस पूरे ग्रुप को ए की पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है. इसे इस प्रकार डिनोट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप. ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी. हर ग्रुप के पास एक केवल एक ही आइडेंटिटी होती है. एक कोई भी ग्रुप एक से ज़्यादा आइडेंटिटी कंटेन नहीं है. एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज यूनिक इनवर्स. जी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का केवल एक ही इनवर्स होता है. एक से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं होता. कैंसिलेशन लॉ. ए स्टार एक्स इक्वल ए स्टार वाई इज टेंड्स टू एक्स इक्वल वाई. इसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है. एंड एक्स स्टार ए इक्वल वाई स्टार ए